लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ में हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। स्कूल वाहनों पर स्पीड गवर्नर को लेकर सतर्क हुआ यातायात विभाग। यातायात जवानों को स्पीड गवर्नर चेक करने के दिए स्पष्ट निर्देश। रहली की प्राथमिक शाला में बच्चों को नहीं मिल पा रहा पीने का पानी। बच्चे घर से बॉटल लेकर आते हैं स्कूल, केवल मिल रहा आश्वासन। देवरी में ग्रामीणों ने की विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर सौभाग्य योजना में हुए भ्रष्टाचार को लेकर की जांच की मांग। स्कूल के वाहनों पर स्पीड गवर्नर को लेकर यातायात विभाग फिर सक्रिय हो गया है। चौराहे पर खड़े यातायात जवानों को निर्देश दिए कि पहले स्पीड गवर्नर चेक करें, इसके बाद अन्य सुरक्षा उपकरणों को भी चेक किया जाएगा। स्कूली वाहनों से इतने अधिक हादसे हो चुके हैं कि अब यातायात विभाग सड़कों पर सक्रिय नजर आ रहा है। बात की जाए हादसों की तो इंदौर का DPS हादसा कुछ ऐसा हादसा था जिसने कई घरों के दिए बुझा दिए थे और माँ बाप आज तक हादसे को भूल नहीं पाए हैं। ऐसे कई दिल दहला देने वाले हादसे हुए हैं जिसके बाद अब इंदौर यातायात पुलिस सक्रिय हो गई है और आज कंट्रोल रूम में एडिशनल SP महेंद्र जैन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चौराहे पर स्कूल बसों और स्कूली वाहनों को चेक करने के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट निर्देश है कि जो भी स्कूली बसें या स्कूली वाहन स्पीड गवर्नर लगाने के बाद भी तेज गति से चला रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। रहली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत देवल पानी की बिछुआ प्राथमिक शाला में बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। विगत 2 सालों से शाला का हैंडपंप खराब है। बच्चे अपने घर से बॉटल लेकर स्कूल जाते हैं। संबंधित अधिकारियों से शिक्षकों ने भी बात की लेकिन केवल आश्वासन मिलता रहा। इसमें शिक्षक राकेश पंडा का कहना है कि बच्चों के लिए यही पास में एक कुआं है जहां से वे खुद पानी भरकर बच्चों के लिए लाते हैं। उनका कहना है कि 2 सालों से यह नल खराब है जिससे स्कूल के रसोई घर में खाना बनाने वाली समूह की महिलाओं को काफी परेशानी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? आपके स्कूल का नाम क्या है? शासकीय प्राथमिक शाला बिछुआ। क्या समस्या है आपको? हमारे पानी की समस्या। कैसी समस्या है? हमारे नल में पानी नहीं आता। पानी कब से नहीं आता? 2-3 साल से। फिर पानी के लिए क्या करते हो? घर से लाते हैं पानी। और कोई पानी भरने वाला? कौन कौन लाता है भर के पानी सर पीने के लिए आप लोगों के लिए? हाँ, हमने अपने जन शिक्षक महोदय के माध्यम से बात बिहार शिकारेला तक पहुँचाई। संकुल प्राचार्य को भी जानकारी दी कि नल की व्यवस्था सही नहीं है पेयजल की। फिर क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला के सुधरवा देंगे, मैकेनिक से संपर्क करेंगे। फिर भी नहीं सुधरा अभी? फिर भी अभी तक कोई। तो बच्चों के लिए क्या है पेयजल की व्यवस्था? बच्चे अपने घर से बॉटल लेकर आते हैं और यहाँ पास में कुआ की व्यवस्था है तो हम लोग जाके कुआ से डिब्बा में पानी भर के लाते हैं तो बर्तन धोने के लिए उपयोग कर लेते हैं। देवरी में ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय के बाहर विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर सौभाग्य योजना में हुए भ्रष्टाचार को लेकर जांच की मांग करते हुए टीम गठित करने की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर जांच के नाम पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि कनेक्शन नहीं होने के बाद बावजूद उन्हें बिजली के बिल थमाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सौभाग्य योजना के तहत खंभे नहीं लगाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग लकड़ी के सहारे ही बिजली की लाइन लेकर आए हैं। उनका कहना है कि 5 दिन के अंदर वरिष्ठ अधिकारी ने विद्युत विभाग के भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वह धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और चक्का जाम करेंगे। केसली से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। हम लोग सर हमारे इधर 4-4, 5-5 दिन लाइट नहीं आती है और थोड़ी लाइट है तो हम लोग डोरी डालते हैं लकड़ियाँ से तो कभी बच्चों को करंट लग जाता है तो कभी झोपड़ी में लग जाता है और जाते हैं हम लोग तो हमारी शिकायतें तो बिल पूरा ले जाते हैं और हम लोगों को लाइट की पूरी राहत भी नहीं मिलती है और कोई भी कनेक्शन निकल जाता है उसमें तो 200-400 रुपया वो लगाने वाला ले जाता है। उनका ये था कि उनकी एक तो बिजली के पोल नहीं गड़े हुए हैं, दूसरी समय ऐसे कि लाइट नहीं रहती
इस संबंध में हमने उनके इंजीनियर से बात करी है, यही से MPVK, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं उसको ठीक कराती हूँ और देखती हूँ, और अभी भेज रहे हैं वहाँ पर उसको मुझे लाइट चालू करने के लिए। इसके पहले भी MPV की शिकायतें मिली हैं सौभाग्य योजना भ्रष्टाचार को लेकर, उसकी जांच जारी है और उसको जाँच पूरी होते ही उसमें नियमानुसार जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय रेसलर और रेफरी कृपाशंकर पहलवान ने खेलों की बागडोर पुलिस के हाथों से हटाकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के हाथों में सौंपे जाने से शासन के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। अंतर्राष्ट्रीय रेसलर और रेफरी कृपाशंकर पहलवान शुक्रवार खंडवा पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से खुलकर चर्चा की। उन्होंने साफ कहा कि खेलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। शासन के उस फैसले को उन्होंने गलत बताया जिसमें खेलों की जिम्मेदारी पुलिस से छीनकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दे दी गई। उन्होंने कहा कि इससे खेलों में राजनीतिक दखल बढ़ जाएगा, खिलाड़ियों का मनोबल गिरेगा जिससे खेलों का स्तर भी गिरेगा। कृपाशंकर ने कहा कि शहरों के अलावा ग्रामीण अंचल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अफसोस इस बात का है कि खिलाड़ियों को उचित अवसर नहीं मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मैं समझता हूँ खेल में सही रणनीति बनाने की जरूरत है, सही खेल नीति बनाने की जरूरत है, और अभी खिलाड़ियों को संज्ञान में लिया गया है। जब ये नई सरकार आई है तो जीतू पटवारी जी अभी खेल मंत्री बने हैं, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी रहे हैं और आज भी वो खेलों का शौक रखते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब खेल मंत्री बनता है तो वो निश्चित रूप से खेलों में काफ़ी कुछ सुधार करने का प्रयास करते हैं। अभी उन्होंने एक कमेटी गठित की है बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की, 10 लोग उसमें जोड़े गए हैं जिसमें से मैं भी एक हूँ, और वे सारे मिल के इस खेल नीति के ऊपर काम कर रहे हैं। 2 मीटिंग हो चुकी है, 3री मीटिंग अभी पीछे हुई है 5 तारीख को, तो 3री और आखिरी मीटिंग निर्धारित हो चुकी है जिसमें हमने अपने अपने सजेशन दिए थे। उन सुझावों के आधार पर एक नियम बनाए गए हैं जो पारित होने जाएंगे अभी के लिए, और वो होने के बाद में एक नई खेल नीति तैयार की जाएगी जिसमें बहुत सारे बदलाव के सुझाव दिए गए हैं। तो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे बदलाव होगा, क्योंकि इससे पहले कभी खिलाड़ियों से कुछ सुझाव मांगे नहीं गए थे और ये फर्स्ट टाइम है जब खिलाड़ियों को सुझाव मांगे गए। क्या आप ये जो नई खेल नीति है पहले युवा कल्याण का जो विभाग था वो पुलिस SP के पास हुआ करता था, अब जिला पंचायत को हैंडओवर किया है, क्या कहते हैं? देखिए हाँ, ये जो खेल युवा कल्याण विभाग का है जो अब जिला पंचायत को दे दिया गया है कि उनके द्वारा संचालित किया जाएगा, पहले SP के द्वारा संचालित किया जाता था। खेल अधिकारी तो हर जिले में होते ही हैं और वे ही संचालित करते हैं सारी खेलों की व्यवस्थाओं को, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि ये मामला जिला पंचायत को दे दिया जाए, क्योंकि जिला पंचायत के पास पहले ही बहुत सारे काम हैं और वे काम खिलाड़ियों के रुके रहेंगे, होंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर सरपंच द्वारा अगर किया जा रहा है या जनप्रतिनिधि कर रहा है तो वो जनता जनार्दन को देख के डिसीजन करते हैं, वो अपने वोटिंग जिधर ज़्यादा लोग होते हैं वो उस तरह के फैसले करते हैं, तो इसमें खिलाड़ियों का भला होने वाला नहीं है। जहरीले कोबरा को पकड़ने के तरीके को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, कोबरा बेहद जहरीला होता है, उसको सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट ने कैसे आराम से पकड़ा आपको दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सांप पकड़ने के एक्सपर्ट सांप को पकड़ रहे हैं। खबर सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स छात्रावास से है, जहां एक सांप छात्रावास की मीटिंग हॉल में फर्श पर अटखेलिया कर रहा था। सांप एक्सपर्ट अकील बाबा ने सांप को पकड़ा। आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में सांप के ऊपर हाथ रखा और धीरे धीरे सांप झुकता गया और बड़े आराम से जहरीले कोबरा को उसने पकड़ लिया। कोबरा की प्रजाति बुंदेलखंड में कम पाई जाती है। यह सांप प्रजाति का बेहद जहरीला सांप होता है। केसली से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।